तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। बिना खरपतवार नाशक दवाइयों के भी धान लगाई हो सकती है, बने रहिए वीडियो में। ये बात लगभग 25 से 30 साल पुरानी होगी, जब प्रेटिला क्लोर या बूटा क्लोर जैसी दवाइयाँ नहीं होती थी तो घास का जर्मिनेशन रोकने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती थी, उसको तिघाड़ा बोलते थे। उसमें कम से कम टाइम 3 दिन का होता था। होता ये था कि खेत में पानी भरने के बाद एक बार कातल काट दिया जाता था और कम से कम 3 दिन या 5 या 7 दिन उसमें गैप बनाने के बाद फिर धान लगाई हो जाती थी, ट्रैक्टर या किसी भी चीज़ से तैयार करने के बाद। तो उसमें जो घास का जर्मिनेशन होने वाला होता था वो होके नष्ट हो जाता था दूसरी बार की जुताई में। तो यही प्रक्रिया इस खेत में अपनाई है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 1.5 एकड़ का एक ही टुकड़ा बनाया। इसको एकसार करने में उस समय बड़ी मेहनत लगी थी जब इसकी ढैचे की जुताई करी थी। आप देख सकते हैं चारों कोनों पर पानी बराबर है। ये मैं ट्रैक्टर निकाल के लाया हूँ अभी, तो उसी के निशान बने हुए हैं। इसको मैंने लेवल कर लिया है, अब केवल इसमें सिंगल रोटावेटर मारकर इसको उठाना है। ये बैठी हुई है इस समय ज़मीन, और इसमें ट्रैक्टर फंसने का भी खतरा रहता है। तो एक फेरा मारने के बाद दूसरा फेरा एक टायर जुते हुए में। सुबह से शाम तक ट्रैक्टर चलाना होता है, रात को टंकी भर के खड़ी कर देते हैं। और बरसात के दिन चल रहे हैं, आज तो बादल लगे हुए हैं, तो इसके लिए इसकी छतरी पर एक पंखा भी लगाया है टेम्परेरी, क्योंकि जब धूप होती है तो बड़ी तेज़ खिलखिलाती हुई होती है बरसात के टाइम में। और मैं काम शुरू करता हूँ, आज लेबर धान लगाने आने वाली है, उससे पहले मैं इसको तैयार कर दूँगा। प्रयास है ट्रैक्टर अगर फंसे नहीं तो। तीन घंटे का समय लगा, 9 बज चुके हैं और हमने इसको बिल्कुल एकसार करने का प्रयास किया और हमारा प्रयास सफल हो गया। अभी थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, तो उस वजह से लेबर आई नहीं है। बाकी हमारा काम इसमें फाइनल हो गया है। इसमें ढैचे की जुताई करी थी, इसमें धान अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। इस खेत पर जब भी मैं कोई काम करने आता हूँ बरसात शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल सारे कपड़े भीग गए, तो घर जाना पड़ेगा। तो एक बार फिर पुनः स्वागत है वीडियो में। घर जाने पर मैंने 1 घंटा वेट भी किया, लेकिन बरसात रुकी नहीं। काम इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि अगर ना करें तो परेशानी बन सकती है। जुलाई का महीना चल रहा है और सालों में इन दिनों तक हमारा धान लगाई का काम निमट जाता था, और ज़्यादा लेट इसको कर नहीं सकते। ये खेत है, इसमें पानी समरसेबल का भरा हुआ है और बरसात भी हो रही है। नीचे के 2 टुकड़ों में पानी नहीं है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो इसी का पानी काट के काम चल जाएगा, इसलिए समरसेबल बंद है इस समय। और इसमें गर्मियों वाला धान था तो इसकी डबल जुताई कर दी थी, कहीं पर सिंगल जुताई करी थी। जब तक हम इसको समझ पाए ये सिंगल जुताई का काम था। कुछ चीज़ों का पता प्रैक्टिकल करने पर ही चलता है। जब हम इसकी पहली जुताई करके गए थे तो ये पुआल थोड़ी थोड़ी बाहर रह गई थी, इसके गलने के तो कोई चांस है ही नहीं। तो इसलिए आज इसको गलाने का विचार मैं कर रहा था, तो मैंने लास्ट जुताई में इस पर प्रेस मार दी। रोटावेटर सेवा करके चलाने को प्रेस बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो अब ये सारी पुआल अच्छे से ज़मीन में मिक्स हो गई है। अभी इसमें धान लगाई में 2-3 दिन का समय है, तो एक बार सेवा रोटावेटर और चला के जब तक, क्योंकि ये जब तक बैठ जाएगी धान लग जाएंगे डायरेक्ट। तो अब मैं इस खेत को सारे को ऐसे करके जाऊं तो इस खेत में फाइनल हो जाएगा काम। अब धान लगाई जब शुरू होएगी तो बहुत कम काम बचेगा, ये कह रहा। तो आज ये 3 क्यारों का काम निपटा लाया हूँ और
खेत में इस वाली क्यारी में यही काम कल हो गया था। अंतर आप देख सकते हैं इस तरह के हैं ये, और इसको ऐसा बना रहे हैं। अब शाम के 5 बज रहे हैं, सुबह के 6 बजे से ट्रैक्टर स्टार्ट किया था और 1 घंटे का रेस्ट लिया, कुल मिला के 10 घंटे लगातार ट्रैक्टर चलाया, तो ये स्थिति बन गई है खेत की। 2-3 दिन बाद जब इसमें धान लगाई होगी तो जैसी भी स्थिति होगी, सिंगल या डबल रोटावेटर मार के इसमें धान लग जाएंगे और इसको भी तिघाड़ा लग जाएगा, मतलब घास का जर्मिनेशन हो जाएगा, और जब फिर दोबारा से रोटावेटर लगेगा तो घास जमेगी नहीं, तो बिना दवाई के भी काम चल सकता है, उस पर विचार करेंगे। आज ज़्यादातर टाइम बारिश में ही ट्रैक्टर चलाना पड़ा है, तो दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, छाता लगा था, शाम के समय धूप भी तेज़ी से निकली थी तो उसमें पंखे ने सपोर्ट किया। आज की बराबर डीजल की टंकी भी कभी खाली नहीं हुई, देख सकते हैं बिल्कुल एंड पे है, और ट्रैक्टर का स्विच खुला हुआ है, इधर को बंद होता है इधर खुलता है, ये बिल्कुल एंड है। आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।